बड़ी खबर है, पेशी के लिए कानपुर कोर्ट पहुंचा इरफान सोलंकी। फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में इरफान सोलंकी को कोर्ट लाया गया है। इरफान सोलंकी पर आरोप तय करेगा कोर्ट। में उतारा जा रहा, देखिए उतार दिया गया है और इरफान यहां से निकल रहे हैं। एक बार फिर से ऊपर की तरफ इशारा, आसमान की तरफ इशारा, ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए इरफान अंदर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो है, ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। पिछली बार भी जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि ऊपर वाला है और इस बार भी इशारा किया है और दिखाते हुए कि ऊपर वाले के न्याय पर उनको पूरा भरोसा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए, इरफान सोलंकी को लाया गया है कानपुर और फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में सुनवाई है। इरफान सोलंकी पर कोर्ट आरोप तय करेगा। कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया है। इरफान सोलंकी पर जमीन पर कब्जा और आगजनी के भी आरोप हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर। इरफान सोलंकी को महाराजगंज से कानपुर लाया गया है और जो फर्जी आधार कार्ड का मामला है, जिससे इस मामले में सुनवाई होनी है, आरोप तय होने हैं, फर्जी कार्ड आधार कार्ड से यात्रा करने का मामला है। इसके साथ ही साथ इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जा और आगजनी के भी आरोप हैं। तो पेशी के लिए कानपुर कोर्ट लाया गया है। इरफान सोलंकी को फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में सुनवाई है। इरफान सोलंकी पर कोर्ट आरोप तय करेगा और कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया इरफान सोलंकी को। इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड से यात्रा के साथ ही साथ जमीन पर कब्जा और आगजनी का भी आरोप है। तो इरफान सोलंकी को आज महाराजगंज से कानपुर लाया गया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में इरफान सोलंकी ने आसमान की तरफ उंगलियां दिखाई और उनका संदेश यह था कि ऊपर वाला है, वो मदद करेगा। कुछ ऐसी ही बात पिछली पेशी में भी उन्होंने कही थी और इन सब के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच महाराजगंज से इरफान सोलंकी को कानपुर लाया गया है। फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने के मामले में सुनवाई है। इरफान सोलंकी पर कोर्ट आरोप तय करेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच महाराजगंज जेल से लाया गया है कानपुर, क्योंकि इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में रखा गया है। इरफान सोलंकी पर जमीन पर कब्जा और आगजनी के भी आरोप। तो कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा लगाई गई है और कोर्ट परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से आज इरफान सोलंकी को लाया गया है और आज जो सुनवाई होनी है वो फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने के मामले में। इसके साथ ही साथ आरोप तय होंगे और जमीन कब्जाने का जो मामला था उसको लेकर भी उन पर आरोप हैं, कब्जे के आरोप हैं जमीन के और आगजनी के भी आरोप उन पर लगे हुए हैं। तो पेशी के लिए कानपुर कोर्ट लाए गए हैं इरफान सोलंकी। फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में उन पर कोर्ट आरोप तय करेगा और कानपुर कोर्ट में पेशी है। कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर इरफान सोलंकी को लाया गया है। इरफान पर जमीन कब्जा और आगजनी के भी आरोप है। इरफान सोलंकी को पेशी के लिए कानपुर कोर्ट लाया गया है और फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट आरोप तय करेगा। इसके साथ ही साथ इरफान सोलंकी पर आगजनी और जमीन कब्जे के भी आरोप है। और चलिए सीधे रुख करते हैं कानपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश बने हुए। रतीश, इरफान सोलंकी को लाया गया है आज कानपुर, किन किन मामलों में सुनवाई होनी है, क्या कानूनी प्रक्रिया है आज की? देखिए, इरफान सोलंकी पर नवंबर से लेकर अब तक 8 मुकदमे लिखे गए हैं जिसमें गैंगस्टर का भी मामला है, लेकिन आज गैंगस्टर के मामले पर सुनवाई नहीं होनी है। जो अन्य 7 मामले हैं उन सभी मामलों में किसी में पेशी है और किसी में डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण किया जाना है। पुलिस रिमांड जो बढ़ाने की एक्सटेंशन की भी एप्लीकेशन है उस पर भी सुनवाई होनी है। यानी 7 मामले हैं। आज काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से यहाँ पर लाया गया है कानपुर कोर्ट में। सुरक्षा के भारी इंतजाम है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि तमाम जो सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं उनको किया गया है। पिछली बार ये देखा गया था कि मीडिया कर्मियों से उलझाव हो गया था पुलिस कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का। ऐसे में पुलिस अपनी सुरक्षा बंदोबस्त को बेहतर तरीके से कर रही है। लेकिन अगर इरफान सोलंकी की बात की जाए तो आज 7 मुकदमों में आज उनकी सुनवाई, उनकी पेशी है। पिछली बार सह आरोपियों द्वारा एक मामले में
डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल दी गई थी, ऐसे में उसका भी निस्तारण होना है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस रिमांड पर एक्सटेंशन लेने की बात कहेगी। ज़मीन पर कब्जा करने, धमकाने, रंगदारी मांगने, तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिन पर आज भिन्न भिन्न कोर्टों में, MPMLA कोर्ट में, ACMM 3 में, तमाम जगहों पर आज सुनवाई होनी है और काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए सुरक्षा के इंतज़ाम भी ऐसे ही किए गए हैं। इरफान सोलंकी के परिजन ऊपर पहुँच चुके हैं, इरफान सोलंकी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और कोर्ट में पेशी शुरू हो चुकी है। तो तमाम मामले 7 नवंबर को जो घटना घटी जाजमऊ में, उसके बाद 8 नवंबर को पहला मुकदमा पीड़ित नज़ीर फातिमा के द्वारा लिखाया गया था, जिसमें आगजनी और आगजनी के साथ साथ ज़मीन कब्जाने का मामला था। और उसके बाद तमाम और शिकायतें सामने आईं और उन शिकायतों पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, पड़ताल किया गया और उसके बाद मुकदमों को दर्ज किया गया। ऐसे ही मुकदमे करते करते 8 मुकदमे हुए, लेकिन इन 8 मुकदमों में आज की अगर बात की जाए तो गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा है उसको छोड़ दिया जाए तो अन्य 7 मुकदमों में आज इरफान सोलंकी की पेशी है, सुनवाई होनी है और किसी में डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण होगा, यानी चार्जेस फ्रेम होंगे कि किन किन धाराओं में आने वाले समय में उन पर मुकदमे चलाए जाएंगे। जी बिल्कुल नीतीश, तो एक लंबी चौड़ी आज की कानूनी प्रक्रिया है, अच्छा खासा वक्त लगेगा। और इरफान सोलंकी हर बार जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो आसमान की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अवधेश। आज भी इरफान सोलंकी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, कानपुर कोर्ट परिसर में जब वो लाए गए और गाड़ी से जब वो उतारे गए तो उन्होंने सीधे आसमान की तरफ उंगली दिखाई, फिंगर दिखाई और साफ तौर पर पिछली बार भी जब वो पेशी पर आए थे उन्होंने आसमान की तरफ दिखाया था, इशारा किया था और कहा था कि ऊपर वाला है, ऊपर वाले पर उन्हें भरोसा है। और आज भी वो यही कहना चाह रहे थे सांकेतिक भाषा में कि ऊपर वाला है आसमान में और वो न्याय जो करेगा उसका उनको इंतज़ार है। पिछली बार भी उन्होंने न्याय की, जस्टिस की बात की थी। हर बार हालांकि वो शेर व शायरी करते हैं और अपने मंतव्य को, अपने आशय को बताने की कोशिश करते हैं। पेशी के बाद जब वो नीचे उतरेंगे तो एक बार फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इशारा साफ है कि आपके पास आएंगे अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।